दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि 196, 197, 198 मार्क्स ला करके भी एडमिशन हो जाती है, MBBS मिल जाती है। माना मैंने मैनेजमेंट कोटा से मिलती है, बट फिर भी मिल जाती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, देख सकते हो, MBBS फीस 1.2 करोड़। ये वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि इतने कम नंबर ला करके भी एडमिशन्स मिल जाती हैं, और जो 450, 540, 530, 510 ये सारे बंदे होते हैं, इन सबको नहीं मिलती है। तो मेरे पास सारा प्रूफ है, आपकी वेबसाइट से मैंने निकाला, आपके काउंसलिंग लेटर्स और काउंसलिंग की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो रैंक है 2 लाख 4 लाख, उस रैंक और मार्क्स का क्या तालमेल है। मतलब अगर आपको 200 या किसी को 480 मार्क्स है, उसके कितने रैंक बनेंगे। उसके लिए मैंने किसी एक स्टेट का जो मेरिट लिस्ट है वो भी निकाल के रखा है, आपको प्रूफ के लिए बता सकूं कि जैसे बंदा का अगर 4 लाख रैंक है तो उसका नंबर कितना आया था नीट में, तो वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है दोस्तों। सभी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं, तो आपको वीडियो में वही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे 198 नंबर ला करके भी MBBS मिला है उन्हें। मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग पिछले वीडियो से कंफ्यूज थे, वो बार बार यही कर रहे थे NRI कोटा, नहीं भाई, मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के ही कॉलेज है और साथ में वो जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला लेती। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है वो वीडियो, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है गवर्नमेंट इसमें कुछ आपको रिबेट दे, या फिर कोई ऐसी सीटें रखें जिससे कि आपको जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कि पढ़ने का मौका मिल पाए। इस फीस स्ट्रक्चर के आधार पे तो कोई भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं राउंड टू की, ये अलॉटमेंट लिस्ट है मेरे पास, और आप पाएंगे कि ये जो लास्ट कैंडिडेट है जिसका कि ऑल इंडिया रैंक निकल कर आता है 4,72,064, ठीक है, 664, मतलब 4,72,664, और इसका जो स्कोर है सब कुछ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज है, उसके ऊपर मैं बता दूँ आपको MBBS का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप पाएंगे 4,72,630, 4,72,630 उसका ऑल इंडिया रैंक है, और संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद में उसे सीट मिला हुआ है, संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसे सीट मिली है। देख सकते हैं आप MBBS कोटा और MBBS सीट, और जिस कैटेगरी में मिला है उसे जनरल में मिला है, और यहाँ पर राइट साइड में साफ लिखा हुआ है फ्रेश अलॉटमेंट। अब आपका मन में ये सवाल होगा, आपके मन में ये जानकारी आपको जानने की इच्छा होगी कि जो ये बंदा जिसका 4,72,630 रैंक है उसका स्कोर कितना आया होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्कोर कार्ड पे। आप देख सकते हैं मेरी तरफ आपके स्क्रीन पर बाई ओर जो मेरे पास है वो एक तरफ है नीट का रोल नंबर, दूसरी तरफ है नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है ना। नीट का रोल नंबर है और नीट का स्कोर कार्ड है, जूम कर दिया मैंने। तो 4,72,000 का जो रेंज है दोस्तों वो कितने स्कोर का है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये ऑल इंडिया रैंक है, जैसे किसी का भी ऑल इंडिया रैंक आप मार्क कर लें ध्यान से, 4,70,000, 4,72,000 के आसपास जो भी रैंक है उनके जो स्कोर हैं वो सारे 198 है, मतलब 198 नंबर आए हैं जिनको 4,72,000 के आसपास स्कोर है। उससे ये प्रूव होता है कि ये जो बंदा है जिसको कि सीट मिला है MBBS में, ऐसा नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ BDS की, मैं MBBS की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो खुद से, ठीक है। MBBS में इसे मिल चुका है सीट, और वो भी जनरल कैटेगरी से। माना मैंने कि ये रूल के अकॉर्डिंग है, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप इसमें कर सकते हो 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.2 करोड़, 80 लाख, ऐसे जाता है इसका पूरा पैकेज। किसी कॉलेज का एक साल का पैकेज 22 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 18 लाख है, इस तरीके से पैकेजेस जाते हैं। तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए पॉसिबल है नहीं, सीट भले मिल गया हो लेकिन ये काफ़ी दुख भरी बात है कि 198, 200 नंबर ला करके भी MBBS मिल जा रहा है, और इसी एग्ज़ाम में जिनने मेरिट से हासिल किया है 450, 550 अंक, उनको सीट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक गौर करने वाली बात है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को जितने भी अथॉरिटीज़ हैं मैं चाहता हूँ कि आप इसे वहाँ तक पहुँचा दें ताकि उनको भी सच्चाई का पता लग सके, और अब वो देख सके कंपैरिजन की कैसे डॉक्टर हम इन फ्यूचर अपने कंट्री को देने वाले हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो की कंटेंट आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ आगे भी मैं देता रहूँ। हम मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।